दोस्तों हर आज 5 में से 3 स्मार्टफोन यूजर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को चेक करते हैं और यही काम वो रात को सोने से पहले भी करते हैं। और इंडिया के अंदर खासकर यंगस्टर्स इस एडिक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि वो इससे रेड ऑफ करें, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के एडिक्शन के बारे में या स्मार्टफोन के एडिक्शन के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्मार्टफोन जो है लगभग यूजलेस है अगर उसके अंदर इंटरनेट ना हो। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडिया, द चैनल विद द वाई फैक्टर। फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, तो 2005 में सिर्फ 1 बिलियन लोग जो थे वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। 2010 में बढ़ के 2 बिलियन हो गए और 2014 में 3 बिलियन हो गए और अब जो है 4 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, अगर मैं दुनिया की मैं आबादी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी तरीके से इसका एडिक्शन भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर ये बोला गया है कि हर 5 में से 2 लोग उन्होंने अपने खाने से, अपने सोने से या अपनी गाड़ी या घर से ऊपर जो है इंटरनेट को रखा है। काफ़ी सारे लोग इस सर्वे में ये बोलने लगे कि अगर मेरे को स्मार्टफोन मिल जाए चार्जर के साथ तो मैं एक बार को खाने को अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो सोचो दोस्तों हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जब मैंने बताया 3 लोग जो हैं 5 में से सुबह उठते ही सबसे पहले काम करते हैं तो दोस्तों सोचिए, जो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन को अपने चेक करते हैं, रात को सोने से पहले उस फ़ोन को चेक करते हैं, तो किस लेवल का एडिक्शन उनको हो चुका है। एक और सर्वे के अंदर ये बात निकल के आ रही है कि अगर 100 लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि आप बुक पढ़ेंगे या इंटरनेट पर सर्फ करेंगे, तो 100 में से 90 लोगों ने चूज़ किया है इंटरनेट पर सर्फ करना। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि हम किस लेवल तक एडिक्शन में जा रहे हैं। गेमिंग करना, शॉपिंग करना, इंटरनेट पर सर्फ करना, गैम्बलिंग करना, यहाँ तक कि पोर्नोग्राफी की अगर बात करूँ तो एक लेवल तक ये जा चुका है कि काफ़ी हमारा यूथ जो है इससे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो सबसे पहले बात करूँगा स्मार्टफोन एडिक्शन की, जिसे नोमोफोबिया भी बोला जाता है। नोमोफोबिया का मतलब ये होता है कि एक फियर होना कि मोबाइल जो है मेरे पास नहीं होगा तो क्या होगा। आज की तारीख में लोग जो है इतना असुरक्षित फील करते हैं अगर उसके पास मोबाइल ना हो, और मोबाइल हो तो इवन उनके पास चार्जर ना हो। इतने परेशान हो जाते हैं कि जब मोबाइल का एक बैटरी जो है ख़त्म होने वाली होती है तो चार्जर को इस तरीके से ढूंढते हैं जैसे चार्जर नहीं मिला हो। थोड़ी देर में पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी उनको आ जाती है इसके अंदर। दूसरी बात, हमारे जो मोबाइल फ़ोन जो है उसके अंदर हम एक वर्चुअल रिलेशनशिप बनाने लगे हैं। वर्चुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमारा जो है जो नियर बाय हमारे दोस्त हैं उनसे तो हम इतना बात करते नहीं हैं, लेकिन वर्चुअली हम लोगों से बात कर रहे हैं। वो कहाँ पर हैं, क्या है, कैसे हैं, रियल वो है भी कि नहीं है, कोई फेक आईडी हमसे बना के बात कर रहा है, उनसे तो हम इतना मतलब बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे नियर बाय हमारे दोस्त हैं, फैमिली से हैं, उनसे हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक स्मार्टफोन का एक सबसे बड़ा लॉस ये भी हो रहा है कि हम रियल वर्ल्ड से तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड से अपने हम रिलेशनशिप बनाते जा रहे हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूँ FB की, मतलब फेसबुक की, तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर 5 मिलियन से भी ज़्यादा पोस्ट जो है फेसबुक पर जाती हैं। अगर यूट्यूब की बात करूँ तो सिर्फ 1 मिनट में 400 घंटे से भी ज़्यादा कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है। अगर सिर्फ 1 मिनट की बात करूँ तो 500 मिलियन से भी ज़्यादा मेल्स का एक्सचेंज होता है और करीब 2 लाख से भी ज़्यादा ऐप 1 मिनट के अंदर डाउनलोड होती है। और इतना ज़्यादा कंटेंट है दोस्तों कि इसको मैनेज करने के लिए हमारे को सर्च इंजन का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे गूगल जैसा सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल भी हमारे लिए कितना रिलायबल है। आज की तारीख में लोग जो है वो स्मार्टफोन से पूछते हैं कि हाउ टू डू अ हेल्दी, आज के लोग गूगल से पूछते हैं हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गूगल एक मैकेनिज्म है, वो एक ह्यूमन नहीं है कि वो आपकी बात को समझ पाएगा। और इसके अंदर भी काफ़ी झोल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग होगी, पे पर क्लिक हो गया, गूगल को जो लोग पे करते हैं एक एड स्पॉन्सर्ड एड वो ऊपर दिखाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आप लोग सर्च कर रहे हैं वो जेन्युइन रिजल्ट ऊपर दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है वो SEO से प्रभावित हो, SEO की जगह वो SMO से प्रभावित हो, या हो सकता है वो एक पेपर क्लिक के थ्रू या किसी अलग टेक्निक के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू वो वेबसाइट ऊपर आ रही है। इतना रेलेवेंट है कि नहीं है ये गूगल को खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो एक कीवर्ड के थ्रू काम करता है और उस कीवर्ड के थ्रू उस वेबसाइट को ऊपर लेके आता है। तो वो आपका भला करे ना करे, वो वेबसाइट गूगल का ज़रूर भला कर रही है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो उसके बारे में पहले उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों चौथी अगर बात करूँ तो वो है साइबर सेक्स एडिक्शन। आप मान के चलिए कि आज की तारीख में बच्चों के अंदर भी काफ़ी हो गया है। काफ़ी सारे पेरेंट्स सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हुए डरते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, इसमें कोई सेंसरशिप तो है नहीं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों पर कंट्रोल कर पाना। और काफ़ी सारे पेरेंट्स इसको लेकर चिंतित भी हैं और बहुत सारे बच्चे चाहे ना चाहे ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं, ऐसे पॉपअप आते हैं जो उनको नहीं देखने चाहिए अपने एज के हिसाब से।
तो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। ये हालांकि यंगस्टर्स के अंदर भी है, और यंगस्टर्स के अंदर ये एडिक्शन बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे क्राइम भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये एडिक्शन कहीं ना कहीं उनको एक गलत रास्ते पर लेके जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे एडिक्शन की, या इससे क्या क्या हमारे को नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे काफ़ी फायदे का सौदा भी हो सकती है। आप ये देख के चलिए कि पहले कम्युनिकेशन कितना लेट हुआ करता था। पहले चिट्ठी आई थी, चिट्ठी के बाद तार आया, उसके बाद रेडियो आया, टेलीफोन आया, टेलीविजन आया, और कितनी टाइम में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू इस दुनिया में दूसरी जगह पे एक कोई घटना घटती है और हमारे को इंस्टेंटली वो घटना हमारे को मिल जाती है, एक न्यूज़ के थ्रू मिल जाती है, फेसबुक पोस्ट के थ्रू मिल जाती है, ट्वीट के थ्रू मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंटली हमारे को मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो अब बात करते हैं कि इस एडिक्शन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी सेलफोन के या इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं, तो उसको कैसे छुटाया जा सकता है, कैसे उससे पीछा छुटाया जा सकता है। दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर हमें छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप उन पे अपने काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। पहले तो आपको पहचानना होगा उस ट्रिगर को जिसकी वजह से बार बार ही आप अपने फ़ोन को उठाते हैं। वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकती है, वो फेसबुक नोटिफिकेशन भी हो सकता है, या आपको कोई मैसेज का नोटिफिकेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको राय दूंगा कि ऐसे अनवांटेड नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर दीजिए। इसको आप म्यूट भी कर सकते हैं, ताकि आप हर नोटिफिकेशन के बाद आप उठ के उस मोबाइल को ना देखें। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि लगभग हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, इतनी देर में एक नोटिफिकेशन आता है और हम दोबारा से चादर हटा के और दोबारा उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और फिर स्क्रॉल करने लग जाते। तो पहली एडवाइस है मेरी कि हटाइए उस नोटिफिकेशन को, हटा दीजिए उस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको आइडिया ना लगे और आप अनवांटेडली बार बार ही अपने मोबाइल फोन को ना चेक करें। दूसरी मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप मीट रियल पीपल, आप लोगों से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, पड़ोसियों से मिलिए, फैमिली वालों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, और वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आप जितना रियल पीपल से मिलेंगे उतना आप एंगेज होंगे। और इस एडिक्शन का आपको ऐसे ही मालूम पड़ सकता है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, सपोज कीजिए आप गए ताजमहल देखने के लिए, दोस्त देख रहे हैं ताजमहल और आप उस टाइम पर अपने स्क्रीन पर लगे हुए, एंजॉय द नेचर दोस्तों। क्योंकि कहने का मतलब है कि आप रियल आप लोगों से मिलिए और वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड कीजिए। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो है सेट गोल्स। सेट गोल्स वैसे स्टूडेंट्स के भी काफ़ी काम आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक टारगेट रखिए कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद मैं अपने मोबाइल को टच करूंगा, या फिर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद मैं अपने मोबाइल को टच करूंगा। तो इतनी देर आप मोबाइल को अपने दूर रखिए और एक गोल सेट कीजिए कि जब तक मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या जो भी आपने गोल सेट किया है, वो पढ़ना पढ़ाई के अलावा कोई और भी हो सकता है, कि जब ये मैं गोल पूरा कर लूँगा उसके बाद ही मैं अपने मोबाइल को टच करूँगा। तो इस तरीके से आप भी अपने एडिक्शन से थोड़ा सा आप शांति पा सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल के अनवांटेड इंटरफेरेंस से। और स्टूडेंट के लिए है मेरा अगला टिप कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो उस टेबल पे आप अपने स्मार्टफोन को मत रखिए, या फिर आप बेड में जब सोने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे अपने साथ आप स्मार्टफोन को मत लेके जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना शांति से सोएंगे या जितनी शांति से आप स्टडी टेबल पे अपने पढ़ाई कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी इसमें इजाफा होता है और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो हो सके तो अवॉइड कीजिएगा पढ़ाई के टाइम पे या सोने के टाइम पे स्मार्टफोन को अपने पास रखना। दोस्तों अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो हो सके तो जितना अनवांटेड सोशल ऐप्स हैं, या फेसबुक है या व्हाट्सएप है या इस जैसी कोई ऐप है, तो अगर ये पॉसिबल है तो आप अपने फ़ोन में से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये शायद आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि नेट पे इंफॉर्मेशन तो बहुत है, हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन समझते कितना है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।